क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी वाइफ आपसे नाराज हो और आपको अपनी गलती का ना पता हो, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? सो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो उससे हैंडल करने वाली जो टेक्निक है वो मैं आपको बताता हूँ कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए कि आपकी वाइफ आपसे खुश हो जाए। हाय, मेरा नाम अनुभव ध्रुव है और एज ए रिलेशनशिप कंसल्टेंट मैं पिछले कई सालों से वर्क कर रहा हूँ और मैंने लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों की मैरिज लाइफ को सक्सेसफुल बनाया है और मेरा मिशन है कि मैं आने वाले टाइम में 1,00,000 लोगों की मैरिज लाइफ को सक्सेसफुल बनाऊँ। सो दोस्तों, अगर आपकी वाइफ कभी आपसे नाराज हो और आपको पता नहीं हो कि आपकी वाइफ आपसे क्यों नाराज है और ना आपसे बोलती हो ना आपसे बात करती हो, बस आपका सारे काम कर रही हो जैसे खाना लाना, कपड़े धोना और जो भी काम है छोटा मोटा वो करते हो, पर आपको ये ना पता हो कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रही है और उसका क्या रीज़न है। आपने कई बार पूछ लिया उससे कि क्या है, क्या बात है, क्यों नाराज हो, और जब आप उसको सॉरी भी बोल देते हो, सॉरी बोलने के बाद भी वो पूछती है कि किस बात के लिए सॉरी बोल रहे हो, ये क्या पता है तुम्हें। तो दोस्तों, ये जो नॉर्मल सिचुएशन अगर आपके साथ भी होती है तो इसका एक सलूशन मैं बता देता हूँ सीधा सा। आप अपनी वाइफ के साथ आराम से बैठे उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ बैठ के उसकी बातें सुने, उसके जो भी मन की बातें हैं उसकी सारी बातों को सुने, उसकी एक एक बात को ध्यान से सुने, उसको बीच में ना टोके और उसको उसकी सारी बातों को बोलने दे, और जब उसकी बातों को बोलते समय उसकी आंखों में आंखें डालकर देखे, और जब वो आंखों में आंखें डालकर आप देखते हो तो वो उसका आपके ऊपर एक प्यार आएगा, फेथ आएगा और वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगी और आपसे सारी बातें अपनी शेयर कर देगी। फिर आपको अपनी गलती मानने की भी जरूरत नहीं है और वो ऑटोमेटिकली आपसे खुश हो जाएगी। बस वो आपका साथ चाहती है, आपका प्यार चाहती है, आपकी आपकी अटेंशन चाहती है अपनी तरफ। तो दोस्तों, आप भी कभी इसी सिचुएशन में हो कि आपकी वाइफ आपसे नाराज हो और आपसे बात नहीं कर रही हो और आपके बात नहीं मान रही हो और आपको लग रहा हो कि आपसे नाराज है पर आपको पता नहीं कि गलती क्या हुई है, तो उस टाइम पे आप साथ में बैठिए, उसकी बात सुनिए और उसकी बातों को अटेंशन दीजिए और उसको एक ऐसा फील करवाए कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसको छोटा सा अगर गिफ्ट भी दे सकते हो तो वो सोने पे सुहागा और भी ज़्यादा वो और अच्छा हो सकता है। और इस तरीके से अगर करते हो तो आप बिना गलती को जाने हुए, बिना अपनी गलती माने हुए अपने लाइफ पार्टनर को, अपनी वाइफ को खुश कर सकते हो और अपनी मैरिज लाइफ को और भी अच्छा बना सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। अगर आपको ये लगे कि किसी और के लिए भी लाइफ में अच्छी होगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, जो कि इसकी और भी नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपको एक और बात बता दूँ मैं, एक मेरा लड़का है नक्ष ध्रुव, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा बच्चा है, और वो हरदम हमारे वाइफ और हस्बैंड के रिलेशन में, मेरे और मेरी वाइफ के रिलेशन में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। जब मैं नाराज़ होता हूँ तो वो मम्मी को, मैं अपनी मम्मी को मेरे लिए मनाता है, और जब मेरी वाइफ नाराज़ होती है तो वो मेरे को अपनी मम्मी के लिए मनाता है। सो, बच्चों का भी बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी मैरिज लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो अपने बच्चों को भी अपनी मैरिज लाइफ में इन्वॉल्व कीजिए, उनको प्यार कीजिए